हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो फॉर्म है वो आपको किस तरीके से भरना है क्या स्टेप्स रहेंगे पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक हम यहाँ पर आज की जो ये स्टेप्स हैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना जो है बताएंगे ताकि जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरे और उनको अगर कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो वो पहले इस वीडियो को देख ले और ताकि उनको फॉर्म भरते हुए किसी भी तरह की जो दिक्कत है परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े और वो अपना जो फॉर्म है वो बड़े ही स्मूथली भर सके तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं जल्दी से स्टार्ट तो सबसे पहले देखिए आपको अपना बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इनको देखना है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है कि पहले आपको अपना आई और पासवर्ड जो है वो जनरेट करना है एक रजिस्टर्ड ई एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू जब आप वो कर लेंगे तो उसके बाद आपको वही यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है उससे लॉग इन करके अपनी जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है और यहाँ पर जो एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आपको दोबारा एडिट करने का जो मौका है वो नहीं दिया जाएगा तो फर्स्ट टाइम में ही यानी कि जब आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे होंगे सबमिट करने से पहले आप जो है अपने फॉर्म में कोई भी चेंज कर सकते हैं लेकिन एक बार जब आपने अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया तो फिर आप किसी भी तरीके का जो है उसमें करेक्शन या एडिशन नहीं कर पाएंगे इसीलिए आपको अपना जो नाम है उसकी स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस ये सारी जो डिटेल्स हैं आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो ठीक है तो ये देखिए ये सारे लिंक्स आपको दे रखे हैं तो सबसे पहले अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉग इन करने के लिए अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं आपको अपने आपको रजिस्टर करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आप लोगों के सामने आएगा देखिए इसको एक बार खुलने दीजिए तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आप इसी वर्जन को यूज़ करें मोजिला फायरफॉक्स को या फिर गूगल क्रोम को इसे आप क्लोज़ करेंगे फिर आपको यहाँ पर कहा गया है वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड शेल ओनली कलेक्ट एंड यूज़ एज मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू एज इज रिक्वायर्ड कि आपका अकाउंट के लिए हम आपसे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लेंगे तो एक तो आपका एप्लीकेंट का नेम आपका डेट ऑफ बर्थ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहां से आई एग्री करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये सारा जो है स्टार्ट हो गया है यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो लिखना है जैसे मैं अपना नाम लिख रही हूँ ठीक है नाम लिख दिया आपने फिर आप अपना यहाँ पर लास्ट नेम लिखेंगे ठीक है देखो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है प्लीज एंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर योर सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ मैट्रिक यानी कि जो आपने अपनी टेंथ की डीएमसी है मार्कशीट में उसमें जो आपका नाम दिया हुआ है उसी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम जो है लिखना है विदाउट एनी सेल्यूलेशन यानी कि जो स्टार्टिंग में मिस्टर Mr. मिसिज श्री श्रीमती जो भी है प्रोफेसर ये नहीं लगाना है ठीक है उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम यहाँ पर आप अगर आपने अपना नाम जो है कभी चेंज किया है तो यस करोगे नहीं तो आप नो पे क्लिक करोगे ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपनी टेंथ की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर करनी है आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर भरेंगे तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने में आपको थोड़ा सा लग सक हो सकता है जी कि टाइम लग जाए लीजिए तो ये डेट जो है मैंने यहां पर लिख दी है ठीक है यहां पर आपकी एज आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहां पर अपना जेंडर जो है वो सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर फिर यहां पर आप जो है अपना मोबाइल नंबर जो है वो डालेंगे ठीक है मोबाइल नंबर डालिए <coughs> फिर आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर जो है अगेन कंफर्म करना है यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो डालेंगे एंटर देन अगेन कन्फर्म फिर यहां पर देखिए लिखा प्लीज एंटर योर एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ई मेल आई डी कैंडिडेट शुड होल्ड द सेम मोबाइल नंबर ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट मेरा तो आपको सेम मोबाइल नंबर जो है रखना है जो आपका पूरी प्रोसेस में जब तक आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक वो एक्टिव रहे और ई मेल तो यहाँ से आप ओ जो है जनरेट करेंगे प्लीज एग्री द सेलेक्ट द आई एग्री चेकबॉक्स ये आपने किया आई एग्री यहाँ से आप करेंगे फिर आप यहाँ पर कैप्चा जो है उसे डालेंगे जेनरेट ओ पे आप जो है यहां पर क्लिक करेंगे अगेन कैप्चर सबमिट Kindly यूज़ OTP received on your mobile number मोबाइल नंबर एंड एड्रेस आपके ईमेल एड्रेस पर मोबाइल नंबर क्या पर क्या है आया होगा ओ आप उसको उसके यूज़ करना है ये देखिए ये आ गया है यहाँ पर आप ओ डालेंगे वैलिडेट करेंगे ओ हो गया है उसके बाद आप ये यहाँ पर डालेंगे री वेरीफाई तो ये देखिए आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा वेरिफिकेशन आएगी यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम जो डाला है आपने वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी सिलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ दी एंटर्ड वैल्यूज़ डिस्प्लेड करेक्टली अगर आपको लग रहा है कि आपने जो डाटा डाला है अभी तक अपना नाम अपना मोबाइल नंबर अपनी ई मेल आई डी अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर वो सही है तो यहाँ पर आप चेक करेंगे मतलब आपको चेकबुक को फिल कर देना सबको आप क्लिक कर देंगे अगर सब कुछ ओके okay है अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सब कुछ ओके okay है तो आप इसको सबमिट करेंगे द इन्फॉर्मेशन वंस सबमिट कैन नॉट बी मॉडिफाइड तो यहाँ तक ही आप चेंज कर सकते थे इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते क्लिक ऑन ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड टू सबमिट एल्स क्लिक कैंसिल तो अगर आपको सही लग रहा है कि सब कुछ ओके okay रिपोर्ट है तो आप ओके okay कीजिए अगर लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है तो आप कैंसिल कीजिए तो मैं यहाँ पर ओके okay कर रही हूँ ओके okay करने के बाद यहाँ पर देखो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आ गया है ठीक है ये एक ईमेल और एसएमएस हैज़ बिन सेंट कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर क्लोग इन एंड पासवर्ड तो ये देखिए ये आ गया आपका सारा तो यहाँ से अब आपको अपना पोस्ट को जो है सेलेक्ट करना है आप जिस भी पोस्ट के लिए अपना जो फॉर्म है उसको फिल करने वाले हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है इस तरीके से आपका ओपन होगा तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट जो है वो अपने सेलेक्ट करनी है आप किसके लिए करना चाह रहे हो तो जैसे मैं जूनियर अकाउंट्स क्लर्क को यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ ठीक है कैंडिडेट का डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल्स इंडियन है आप नेशनैलिटी डोमिसाइल ऑफ बिहार हैं अगर आप तो यस करोगे अदरवाइज आप नो करोगे रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आप किस में आ रहे हैं तो आप जी भी जो भी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको आप फिल करेंगे मार्क और ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर आपको पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी पासपोर्ट जो भी है आप यहाँ पर दे सकते हो ठीक है अदर्स का ऑप्शन भी है आपके पास यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हो अपना पैन नंबर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी आप अदर्स भी ले सकते हो अदर्स में आपको फिर देना पड़ेगा डाटा डालेंगे आप आपके आईडी कार्ड पे नेम आई एम वॉलेंट्री सबमिट यहाँ से आपके बाद आप यहाँ पर सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे डेटा सेव हो गया आपका सेलेक्ट उसके बाद आप आ, अपनी एडिशनल डिटेल्स पर जाएंगे फिर उसके बाद आर यू पर्सन विथ डिसबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या नहीं है विद एट लीस्ट फोर्टी परसेंट येस या नो जो भी हैं आप उसको डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर येस और नो ठीक है एडिशनल लैंड लूजर लैंड डिसप्लेस नॉम डिटेल्स वो सारी करके आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है एड्रेस भरना है आप अपना स्टेट और फिर उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है तो उसको आप येस yes कर देंगे डाटा आपका हो गया उसके बाद आप अपनी जो कम्युनिकेशन डिटेल्स हो गई हैं उसके बाद आप क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स है उनको भरेंगे आपने जो अपनी जो टेंथ है वो कहाँ से करी थी नेम ऑफ द बोर्ड ठीक है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम किस साल में आपने पास करी थी वो आप लिखोगे आपने जो टेंथ की डीएमसी है आपकी आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर जो डिवीजन है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड जो है करने पड़ेंगे ऐसे ही आप ट्वेल्थ का करोगे सेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन कॉमर्स है यूनिवर्सिटी का नेम आप यहाँ पर डालेंगे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग सारी अपनी टेंथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है उनको भरने के बाद आपसे यहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बोर्ड आपका मंथ ईयर किस में आपने पास किया आपकी परसेंटेज आपके मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स ठीक है सर्टिफिकेट नंबर और आपकी डिवीज़न ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगे उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कंपनी की जो डिटेल्स है वो सेलेक्ट करनी है तो आपको यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस जो है वो देनी है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसे देंगे उसके बाद एंड नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पर क्या करना है अपनी पासपोर्ट साइज़ और जो सिग्नेचर है उनको अपलोड करना है तो आपको जहाँ पर जाएंगे आप तो जब आप अपनी यहाँ पर सारी जो डॉक्यूमेंट्स सा हैं उनको अपलोड कर देंगे अपलोड करने के बाद आपसे आपको यहाँ पर जो पेमेंट डिटेल्स है वो दी गई हैं पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है कि जो भी मैंने अपने यहाँ पर सारा डाटा दिया है वो एकदम सही है एडवर्टीज़मेंट की सारी डिटेल्स को मैंने पढ़ लिया है मैं एलिजिबल हूँ उन सबके लिए सबको एग्री करते हुए आप यहाँ पर अपना प्रिव्यू भी ले सकते हैं और फिर अगर आप सब कुछ प्रिव्यू लेने के बाद आपको यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे सबमिट करके आपको यहाँ पर फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कंप्लीट है एक तरीके से और आप यहाँ पर क्या करेंगे पेमेंट करेंगे ठीक है पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के बाद फाइनली जो आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और फाइनली सबमिशन के बाद योर फॉर्म इज़ कम्प्लीटेड तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पर फुलफिल करने थे ये सारे स्टेप्स जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपना जो नाम है अपना फादर नेम है अपनी ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ ये डेटा जो है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक डालना है क्योंकि आप दोबारा इसमें चेंजेस नहीं कर सकते